मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति, ओम शांति। 8-8-20 के महावाक्य, बा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन। सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें ना कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। कोई कहे कि हम इस आवागन के चक्कर में ना आए ही नहीं, बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट ही नहीं सकता है। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। बा कहते हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये ड्रामा एक्यूरेट चलता ही रहता है, ड्रामा कभी भी रुकता नहीं है। जैसे रात है दिन है, दिन है तो रात है, दुख है सुख है, इसी तरह कोई कहे ड्रामा के चक्कर में हम छूट जाएं, बा कहते ऐसा हो सकता, ड्रामा में हम एक्टर हैं तो एक्टर पार्ट ना बजाए तो एक्टर किसका, एक्टर कहेगा कोई उसको? कोई नहीं कहेगा ना। इसलिए बा कहते हैं ड्रामा में जाए तो थोड़े टाइम के लिए आना, आना तो है ही। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? तुम संगमयुगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य ऋचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाप कहते हैं मैं ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोक्ष को पा नहीं सकते हैं। कोई कहे कि हम जन्म मरण के चक्कर में ना आए, बाबा कहते ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले बौद्ध व क्रिश्चन आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा ही नहीं सकते हैं। जब उनका धर्म स्थापन आता है तब ही उनका पाठ है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले मनुष्य जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है, हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया, अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बात समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा ही नहीं सकते हैं। बना बनाया ड्रामा है, कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं, बाकी मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पारधारी हैं इस ड्रामा में, हम कब आए हैं फिर कैसे जाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना,
बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते, मनुष्य कहते हैं कि हम एक्ट्रेस पाठधारी हैं, ये कर्म क्षेत्र हैं। वैसे भी देखो दुनिया में कोई भी बात होती है ना, तो कहते हैं ना इस कर्म क्षेत्र पर आए हैं कर्म करने के लिए, हिसाब ता चुक तो करने के लिए, हिसाब ता चुक तो करके फिर हम चले जाएंगे। जहाँ आत्मा रहती है उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पान नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता, परले कभी होती नहीं है। शास्त्रों में दिखाया है ना परले हो जाती है, तो वहाँ कहते परले थोड़ी होती है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा ही नहीं। इससे समझते हैं परले हो गई। ये सब बातें बैठ बाप समझाते हैं। फिर दिखाते हैं कि समुंदर में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ है। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? श्री कृष्ण के लिए बताते हैं ना, मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र, भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत के डायरेक्शन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे। समझाने से भी समझते नहीं हैं। 84 लाख समझने कारण, तो बाबा कहते 84 लाख समझने के कारण कितने लाखों वर्ष की कहते के 84 लाख हैं, तो बाबा कहते 84 लाख नहीं है, 84 जन्म है ना। अगर 84 लाख होते तो 84 वर्ष भी होते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हम, बाबा कहते अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कलब कलब आकर के स्वर की बादशाही लेते हैं। भी पहले भी ली थी और अब फिर लेंगे। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं ना, बाबा कहते जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सब की बायोग्राफी जानते हो बाप द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वे बाप हैं पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने वाले। कौन सा रास्ता? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा व परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप कहते हद की बात नहीं है, यहाँ बच्चों को क्या मिल रहा है? बेहद का वर्षा, अर्थात मनुष्य देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाज जी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ,
जिसमें सारी प्राणी दुनिया स्वाहा होनी है। भागते वो यज्ञ रचते हैं थोड़े टाइम के लिए, एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए। दूसरी सामग्री डालते हैं ना, नारियल, घी, तेल, जो भी जौ तिल सब कुछ डालते हैं भागते इसमें। तो इस यज्ञ में हमने बुराइयाँ डाली हैं, जो बाबा ने यज्ञ रचा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता। कलयुग में तो बहुत मनुष्य, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज़ काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा, यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, बा कहते गरीब तो बेचारे गंद में झोंपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते, उनको दूसरी जगह दे वे ज़मीन फिर बेचते रहते हैं, नहीं उठते हैं तो ज़बरदस्ती उठाते हैं, कितने मारा मारी करते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वह भी स्थाई सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये कांग विष्टा सम्मान सुख है, भी आज सुख है कल दुख है। तो माँ कहते शिव भगवान आवाज, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आश्रय संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते हैं ना पतित पावन आओ, परंतु अपने को पति समझते थोड़ी है। बाहर कहते मंदिर में जाते हैं ना तो कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस परोए। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधेरे से सोचने में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, ऐसे ही गंगा में हरिद्वार सारा कचरा किचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेतों में भी ले जाते। बा कहते सतयुग में ऐसे काम होते नहीं है, मन गंदगी वाला वहाँ कोई काम नहीं होगा ना, क्योंकि विचार भी शुद्ध और प्रकृति भी शुद्ध। वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता। बाबा अनुभवी है, पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य, हर चीज़ सस्ती रहती है। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है, युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाबा बच्चों को कोई मुश्किल काम नहीं देते हैं, सिर्फ बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। आत्मा में ही खाद पड़ने से काली बनेंगी, पतित बनेंगी, मुलम्मे जैसी बनेंगी, जो पार्श बुद्धि थी वही फिर पत्थर बुद्धि बने। तुम बच्चे अभी बाप के पास पारसनाथ से पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बन रहे हो, बनने के लिए आए ना। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते, सो भी गोल्डन एज विश्व का यह है आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पार्शपुरी का मालिक बनाते हैं, तुम जानते हो। यहाँ भागते तुम जानते हो, इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है, अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना है जो माताओं के पास है, वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है, माना आत्मा भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर, हर चीज़ सुंदर होगी ना, और विचार भी सुंदर होंगे। यहाँ कौड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे, आत्मा भी हीरे जैसे बन जाएगी, जैसे बाबा ने कल मुरली में बताया ना। इनको कहा जाता है आयरन एज, भारतीय अविनाशी खंड, कभी भी नाश नहीं होता है। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच, तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर
भागत, तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। श्री निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करो, याद करते रहो। भक्ति मार्ग में तो भी तुम मुझ माशु को याद करते आए हो कि हमको आगर के सामरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर भी कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्मा रहती है। बाग तो तुम बच्चे कौन हो? मुसाफिर हो। मुसाफिर का घर कहाँ है? परम धाम में। यहाँ मुसाफिर आया थोड़े टाइम के लिए। बागदी एक तरफ तो आप एक्टर हो ना, एक्टर करेंगे, अपना पार्ट बजाएंगे, चले जाएंगे। मुसाफिर है ना, तो यात्रा करके फिर अपने घर चले जाएंगे। तुम सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो, सब हिसाब तक चुक तो कर जाने वाले हैं, फिर नए से तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। बाबा कहते यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे हो तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पार्ट बजाते हो, दूसरे जो है ना वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है। किन का? दूसरे धर्म वालों का ना। वह स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं है, आवागमन के मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी में ना लास्ट में आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पार बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। बाबा कहते ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। आना जरूर है और जाना भी जरूर है। ये बेहद का ड्रामा है, इस बेहद के ड्रामा से कोई भी छूट ही नहीं सकता है। कोई कहे इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएं, कोई कहे चक्कर से छूट जाएं, बाबा कहते कभी भी छूट ही नहीं सकते हैं। अंदर समझना है ना। बाबा कहते खुशी होनी चाहिए, हम बाप हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद का ड्रामा है। अच्छा बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है, अमृत भी पिलाना है और ज्ञान चिता पर बिठाना भी है। श्री निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है, रहना भी है और दिलाना भी है। और बाबा कहते कर्म करते धंधा आदि करते सब कुछ करते पावन भी बनना है और बाप की याद में भी रहना है और सबको बाप की याद दिलाना भी है। वरदान दिया बाबा ने निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाच नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाच नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव, छोटी छोटी बातों में संगम युग के अमूल्य समय को गवाना बचपन के नाच नखरे हैं। अब ये नाच नखरे शोभते नहीं हैं, वानप्रस्थ
में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। बाबा कहते हम सब की क्या है, वानप्रस्थ अवस्था है, तो वानप्रस्थ अवस्था में सिर्फ क्या करना है, याद करना है और सेवा, इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सोवो तो भी याद और सेवा। जैसे बाबा पिछली मुरलियों में कहते हैं ना, कहा है कि बच्चे हर समय चिंतन चलना चाहिए, कैसे दूसरों को समझाएं, कैसे उन्नति दिलाएं, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वान परस्ती। भी कोई कहेगी हम जवान हैं, तो जवान तो हो ही नहीं सकते हैं ना। भागते बचपन के संस्कारों को क्या करना है, नाच नखरे है ना, रूठना, जिद के संस्कार, आलस के, तो भागते अब इसका क्या करो, संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वान परस्ती। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। खुद भी बाबा कहते संतुष्ट रहना है जैसे, और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। जो संतोषी माता का व्रत रखती है ना, बाबा ने कहा कि एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा, निरंतर याद होनी चाहिए। बचपन के सारे नाज नखरे समाप्त हो जाने चाहिए। शरीर निर्वाह धंधा भी करना है और बाप की याद में भी रहना है और सबको याद दिलाना भी है। फिर बाबा ने कहा ये बेहद का ड्रामा है, इस बेहद के ड्रामा में कोई भी छूट नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं कि हमको ये पसंद ही नहीं है, है ना, तो बाबा कहते दूसरे जो एक्टर होते हैं ना, वो अपना रोल फिर भी चेंज कर लेंगे, पसंद हो चाहे ना पसंद हो, फिर भी वो कहेंगे जो डायरेक्टर ने कह दिया तो उसको एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते कई कहते हैं कि हम वहाँ पर बैठे रहे, परम धाम में बैठे रहे, शांति धाम में बैठे रहे, यहाँ आए ही ना इस चक्कर में, तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी हो सकता है, आएंगे जरूर, आना तो जरूरी है ना। कितनी दुनिया में जप तप हवन करते हैं, कितना कुछ करते हैं कि हम इस आवागमन के चक्कर में छूट ही जाएं, करते जरूर हैं, लेकिन वो आते जरूर हैं, करते भी हैं तो आते भी, आते बोले थोड़े टाइम के लिए। बाबा तो अनुभवी है ना इन सब बातों का, कौन से बाबा, ब्रह्मा बाबा, कितना सच्चा सस्ता मन की ज्ञान है, सहज नॉलेज है। बाबा कहते वहाँ पे बाप हम बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाप हम बच्चों को कितना गोल्डन एज दुनिया में ले जाते हैं, कितना खुश करते हैं। बाबा कहते ये दुख की दुनिया तो गई गई गई, अब हमने सुख की दुनिया में जाना है ना। बाबा कहते अगर सदा सुख होता तो फिर ये कहना चाहिए ना कि हाँ सदा सुख है, अगर सदा सुख होता तो क्यों कहते ये कांगविष्टा सम्मान है थोड़े टाइम के लिए। कोई कोई कहे कि हाँ ये इंसान मुझे सुख दे सकता है, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है। भागते ये यज्ञ है ना, यज्ञ में हमने क्या डालनी है, आहुति डालनी है, सामग्री डालनी है ना, बुराइयाँ डालनी है, तभी हम नई दुनिया में जाएंगे ना। भागते दूसरे ड्रामा में कोई एक्टर ऐड भी हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कोई ऐड हो नहीं सकता, सभी को अपना अपना पार्ट मिला ना, सबका पार्ट अलग अलग है। कोई कहे कि हाँ इसका पार्ट कैसा है, या ना ये तो भागते सबका पार्ट अलग है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई छोटे से छोटा बच्चा है, सबके पार्ट अलग अलग हैं, एक ना मिले दूसरे से, बाबा ने सब कुछ बता दिया है। बाबा कहते जैसे बुद्ध का शरीर तो नहीं गया ना, आत्मा गई ना, तो आत्मा ने जा करके फिर शरीर ले लिया, मोक्ष थोड़ी पा लिया, मोक्ष तो पा नहीं सकते, कर्म क्षेत्र में तो आना ही है ना, कर्म क्षेत्र के बिना तो रह ही नहीं सकते। कोई कहे कि हम एक कर्म क्षेत्र से छूट जाएँ, यहाँ से हम छूट ही नहीं सकते हैं। भक्तों को फल देने वाला एक बाप ही है, भगवान ही है, वो भी राज्य से बाबा ने कल की मुरली में कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति में, भागते कोई मुक्ति में कोई जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। मुक्त किससे होना है, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, उससे मुक्त होना है। और भागते वहाँ जीवन है सच में, लेकिन कोई बंधन नहीं है, और यहाँ पर जीवन भी है, लेकिन देखो कितने बंधन है ना,
आत्मा अभी बंधनों से मुक्त होगी तभी अपने घर जाएगी ना, बंधनों से मुक्ति नहीं तो घर कैसे जा सकती है। भागते वहाँ सतयुग में सारे सुखी होंगे, वहाँ कोई भी दुखी नहीं होगा ना, सारे सुखी होंगे। भागते इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जान सकते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई भी ऐड हो ही नहीं सकता है, मोक्ष किसी को मिल ही नहीं सकता है। बाप कहते जैसे बाप गाइड है ना, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जैसे गीत भी ना अंधेरे में है हम इंसान, तो ज्ञान का सूर्य पकड़ा दे भगवान, तो बाप कहते सब अंधेरे में ही है। कौन सा अंधेरा? विकल युग बच्चा है और आत्मा पर कोई लेपशेप नहीं चढ़ता है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, है ना। फिर कहते हैं परमात्मा आकर गाइड बन, हमें अंधेरे से निकाल, हमें रोशनी में ले चल। जब अब बाप आया है हमें अंधेरे से निकाल करके रोशनी में ले जा रहा है, तो हमें जाना चाहिए ना, खुद भी बाप कहते रोशनी में जाना और दूसरों को भी लेके जाना है। खुद बाप कहते दूसरे जो है ना उनको रास्ता बताना है। ओम शांति, ओम शांति।